हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर वेल। सो इन आवर लास्ट चैप्टर वी स्टार्ट अ ट्रिप टू भोपाल। इन आवर लास्ट क्लास वी डिस्कस सम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर अ ट्रिप टू भोपाल। आई होप बच्चे आप अच्छे से मन लगाकर पढ़ रहे हैं। कोई आपको इशू है तो आप उसे शेयर कर रहे हैं। सो आवर टुडेज क्लास स्टार्ट। सो द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, सो हम जो पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर, उससे हमें क्या सीखने को मिलेगा, तो उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फर्स्ट है स्टूडेंट विल एबल टू नो अबाउट अ सिटी भोपाल। सो बच्चे चैप्टर के नाम से ही आपको एक नई न्यू सिटी के बारे में पता चला है। ट्रिप टू भोपाल, जो हमारा ट्रिप है वो जा रहा है भोपाल में। सो हम भोपाल के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट विल एबल टू एड 4-digit numbers। Student will able to subtract 3 or 4-digit numbers. Student will able to solve some application based questions. Student will be able to solve some basic multiply and division based questions. So जो हम chapter करने जा रहे हैं, इसके बाद आप बच्चे क्या कर पाएंगे कि आप 3 or 4-digit numbers को जोड़ पाएंगे और कुछ question application based जो हैं वो multiply और division के base पे solve कर पाएंगे। So start। सो बच्चे हमेशा क्या होता है कि हमारे दिन की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, अच्छे विचारों के साथ होनी चाहिए। सो हमारा आज का जो विचार है, थॉट ऑफ द डे, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज ऑलवेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। तो बच्चे क्या होता है कि हम अपना पूरा दिन किसी ना किसी काम में निकालते हैं, हमारा जो पूरा टाइम होता है हम उसको इन्वेस्ट कैसे करते हैं। तो अगर हम अपने जो टाइम का इन्वेस्टमेंट है वो अच्छी चीज़ों को जानने में, समझने में, सीखने में लगाएंगे, तो उससे हमें जो रिटर्न मिलेगा वो हमेशा बहुत ही अच्छे मिलेंगे, बढ़कर मिलेंगे। तो जब भी हम कुछ जानने की सीखने की कोशिश करते हैं तो हम कुछ अच्छा जानते हैं, समझते हैं, जिससे हमारा जो नॉलेज है वो बढ़ता है। तो हमेशा अपने टाइम का जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ध्यान से अच्छी बातों को सीखने, समझने और सुनने में करना चाहिए। सो नेक्स्ट, सो स्टार्ट अवर टॉपिक अ ट्रिप टू भोपाल। तो चलो चैप्टर को समझने से पहले हम भोपाल के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। सो जो भोपाल है बच्चे, बेसिकली जो सिटी है ये हमारे मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश हमारा एक स्टेट है जो इधर है, यहाँ पर है। जो अगर मैप के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा जो MP स्टेट है वो है इधर। तो जो भोपाल है बच्चे वो MP स्टेट की कैपिटल है। यहाँ की कुछ फेमस चीज़ें जो हैं, मैंने जो जगह हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अगर हम ऊपर से देखना शुरू करें तो यहाँ पर एक भोजताल लेक है। भोपाल सिटी पनोरमा मीन्स यहाँ का एक जो दृश्य है कैसे देखने को है, एक स्टीम इंजन, स्टीम ट्रेन इंस्टॉलेशन नियर के पास जो लेक है हमारी, उसके पास एक स्टीम इंजन इंस्टॉल किया हुआ है। लक्ष्मी नारायण मंदिर है, रविंद्रनाथ भवन, वन विहार, वल्लभ भवन, जिसको MP का जो सेक्रेटेरिएट है उसको वल्लभ भवन बोलते हैं, ताजुल मस्जिद, यहाँ पर एक मस्जिद है जिसका नाम है ताजुल मस्जिद, लक्ष्मी नारायण बिदला मंदिर ऑल्सो इज़ देयर। सो बच्चे आपने थोड़ा सा हमने भोपाल के बारे में जाना। तो अगर कहीं पे भी जाते हैं तो उससे पहले तो हमें वहाँ के बारे में जानना ज़रूरी होता है ना। सो लेट्स स्टार्ट अ ट्रिप टू भोपाल। तो क्या है कि बच्चे बेसिकली जो हमारा स्कूल है वो जा रहा है एक ट्रिप पर, और जो हमारी ट्रिप है वो जा रही है भोपाल। तो बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हैं। बच्चों को तो एक्साइटमेंट होती है जैसे उन्हें पता चलता है कि वो घूमने जा रहे हैं। घूमने के नाम से ही बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं बहुत। तो जो हमारे टीचर्स हैं मीनाक्षी जी एंड राकेश सर, वो डिस्कस कर रहे हैं कि हमें बच्चों को वहाँ पर लेकर जाना कैसे है। अब जाने के लिए तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ना कि हम कैसे जाएंगे। तो टीचर्स देख रहे हैं कि बस करनी पड़ेगी, तो अब जाने से पहले देखना पड़ता है कि बस कितनी करनी है। ऐसा तो नहीं है ना कि बस हमने सोचा ट्रिप के लिए और हम निकल पड़े। उससे पहले बहुत सारी तैयारियाँ करनी पड़ती हैं। जो टीचर हैं हमारे वो बात कर रहे हैं कि हमें कितनी बस करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ के हिसाब से,
चार करनी पड़ेंगी, पांच करनी पड़ेंगी, बस कौन कितनी सीटों वाली है, तो जो टीचर्स सोच रहे हैं बस करने के लिए, तो एक बस में हमारी है 50 सीट्स। तो पहले तो टीचर्स देख रहे हैं कि हर क्लास के अकॉर्डिंग टोटल बच्चे स्ट्रेंथ कितनी है। तो हमारी जो क्लास 1 to 5 तक बच्चों की जो स्ट्रेंथ है, तो हमारी फर्स्ट क्लास में कितने बच्चे हैं, 33, सेकंड 32, थर्ड 42, फोर्थ 50, फिफ्थ 53। तो जो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो, कितने हो गए बच्चे, यस सभी टोटल करिए। तो जो टोटल स्टूडेंट्स हमारे हैं वो हो गए 210, राइट। वी नीड 4 बसेस। तो जो टीचर है वो डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हमें 4 बस चाहिए, क्योंकि 1 बस कैन टेक 50 चिल्ड्रंस, एक जो बस है वो 50 बच्चों को ले जा सकती है। तो 50 into 4 कितना हो गया, यस यू आर राइट, इट्स 200। तो बच्चे देखिए हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं, सो देयर आर अ टोटल ऑफ 210 स्टूडेंट। कितने बच्चे जा रहे हैं, 210। इफ दे गोट 4 बस, अगर जो स्कूल है वो 4 बस अरेंज करे, तो टोटल सीट कितनी हो गई, हमने यहाँ पे निकाला था बच्चे 15 into 4, 200, राइट। सो देयर विल बी एनी चिल्ड्रन लेफ्ट विदाउट सीट, ऑफकोर्स बिकॉज वी हैव टोटल 210 स्टूडेंट एंड वी हैव 200 सीट्स, सो देयर आर 10 चिल्ड्रंस लेफ्ट विदाउट सीट। सो अब देखते हैं आगे क्या होता है, टीचर्स ने बस अरेंज की हैं, सब बच्चे बहुत ही एक्साइटेड हैं, घर से अच्छा अच्छा खाना लेके आए हैं कि हम जा रहे हैं घूमने के लिए। अब सब घूमने के नाम से तो एक्साइटेड हो जाते हैं ना, तो सब सुबह सुबह पहुंच गए हैं, सब लाइन से खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि बस आएगी, हम सब जाएंगे, सब लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन आपने भी तो देखा है ना कि जब हम आपको लाइन में लगाने के लिए बोलते हैं तो क्या बच्चे थोड़ी देर रुक जाते हैं लाइन में लगने के लिए, नो, कोई बच्चा इधर से देख रहा होता है, कोई इधर से देख रहा होता है निकल के। तो अभी जैसे ही बस आई तो टीचर ने देखा, हो ये क्या, हमने तो बस अरेंज की थी बड़ी, लेकिन बस कैसी आ गई, हो बस आ गई छोटी। तो टीचर बात करती है ड्राइवर से, वी टोल्ड यू टू ब्रिंग बिग बसेस, हमने तो आपको बोला था बड़ी बस लेके आना। तो ड्राइवर बोलते हैं, वी डिड नॉट हैव एनफ बिग बसेस, हमारे पास बड़ी बस नहीं थी ज़्यादा, सो वी गॉट मैनी मिनी बसेस, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने बहुत सारी छोटी बस अरेंज कर दी हैं, तो अब आप हमें बताइए कि आपको कितनी मिनी बस चाहिए। तो टीचर बोलती है, टोटल स्टूडेंट्स 210, ईच मिनी बस कैन टेक 35 स्टूडेंट्स। तो अगर हर बस में 35 स्टूडेंट्स जाएंगे बच्चे, तो हमें कितनी मिनी बस चाहिए, यस वी कैन फाइंड 210 डिवाइड बाय 35, सो वी गेट द टोटल नंबर ऑफ मिनी बसेस We need it. So all of you start, divide 210 by 35 and then tell me the total minibuses we need. So next बच्चे आपको क्या करना है, आपको 3 questions और solve करने हैं। So हमारा first question है, a parking lot is 50 meter long. How many cars of 5 meter can be parked in that area? So बच्चे जब भी आप कहीं घूमने जाते हैं तो आप गाड़ी को ऐसा तो नहीं है कहीं भी खड़ा कर देंगे, अगर आपने कहीं भी खड़ा कर दिया तो रोड ब्लॉक हो जाएगा, गवर्नमेंट आपकी गाड़ी को उठा ले जाएगी। सो हमेशा हमें अपनी जो पार्क करनी चाहिए गाड़ी, वो पार्किंग लॉट में करनी चाहिए। सो यहाँ पर एक पार्किंग लॉट है जिसकी जो लेंथ है वो है 50 मीटर। हाउ मेनी कार्स ऑफ 5 मीटर कैन बी पार्क इन दैट एरिया, सो कितनी गाड़ियाँ लग जाएंगी पार्किंग लॉट में अगर एक गाड़ी की जो लेंथ है वो 5 मीटर है। सिंपल है बच्चे, आप क्या करेंगे, 50 मीटर को डिवाइड कर देंगे 5 मीटर से, सो यू गॉट द टोटल नंबर ऑफ कार। सो नेक्स्ट, सुमन बॉट अ रिबन ऑफ 28 मीटर फॉर हर आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोजेक्ट। सुमन जो है वो अपने एक प्रोजेक्ट के लिए एक रिबन लाई है जिसकी जो लेंथ दी हुई है 28 मीटर। सी नीड्स टू कट इट इन टू रिबन
ऑफ लेंथ 4 मीटर। उसको क्या करना है, 28 मीटर के जो रिबन को 4 मीटर की लेंथ के रिबन्स में डिवाइड कट करना है। सो हाउ मेनी पीसीज ऑफ रिबन विल शी हैव, तो आपको बताना है कि कितने रिबन कट हो जाएंगे 28 में से 4 मीटर के। सिंपल, यू हैव टू डिवाइड 28 by 4 एंड देन यू विल नो द गेट द नंबर ऑफ पीसीज ऑफ रिबन शी हैव। सो बच्चे, जब भी हमें ज़्यादा से कम की तरफ जाना होता है, अगर हमारे पास ज़्यादा है और हमें कम निकालना है, सो वी विल डिवाइड एंड इफ़ वी गॉट एंड इफ वी आई हैव वन स्टूडेंट नीड 7 नोटबुक इन द स्कूल, तो एक बच्चे को स्कूल के लिए 7 नोटबुक चाहिए। हाउ मैनी नोटबुक डज अ ग्रुप ऑफ 17 स्टूडेंट रिक्वायर, तो 17 बच्चों कितनी नोटबुक चाहिएंगी। तो बच्चे, जब भी हमें ज़्यादा से कम निकालना है तो हम डिवाइड करते हैं, लेकिन हमारे पास अगर कम है और हमें ज़्यादा क्वांटिटी निकालनी है सो हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास 7, एक को चाहिए 7, तो 17 को कितना चाहिए, हम सिंपल है 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 17 से। सो बच्चे, एंजॉय योर लर्निंग। आई होप आपको आज वाली क्लास की सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे आप इजीली। एंड आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है देन कमेंट एंड शेयर। सो हैप्पी लर्निंग, जॉयफुल लर्निंग, स्टे होम, बी सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।